हेलो दोस्तों कैसे हो आप मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम करने वाले हैं ब्रीफ रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर टू केमिकल बॉन्डिंग जिसमें मैंने दो हाइलाइटर्स का यूज़ किया है एक है येलो हाइलाइटर जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्ज़ाम में आने की और रेड हाइलाइटर से वो चीज़ें डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में सो so, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहले उसे देखिए उसके बाद इस वीडियो को देखना सो so, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप्ड बाय एफ हु आर एस मुलिकन इन नाइनटीन इसके सेलियम फीचर क्या होते हैं पहला द इलेक्ट्रॉन इन ए मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक एटोमिकर्बिटल जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वैसे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका ये कहना पहली बात दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होनी थी लगभग कंपेरेबल होनी चाहिए थोड़ा सा डिफरेंस और सिमेट्री प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए तब जाके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तीसरी बात वायलन इन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑटोमिक ऑर्बिटल इज़ इन्फ्लुएंस बाई वन न्यूक्लियस यानी यहाँ पे क्या होता है देखिए ऑटोमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को वहीं इन ए मोलिकुलर ऑर्बिटल इट इज़ इन्फ्लुएंस बाई टू और मोर न्यूक्लियाई दो और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन ए मोलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसके हिसाब से दस एन ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक मोनोसेंट्रिक होता है क्योंकि एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा इन्फ्लुएंस करेगा वेल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर पोलिसेंट्रिक बिकॉज मैनी अदर मोर देन वन एक न्यूक्लियस इट समझ रहे अब आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल एटोमिक ऑर्बिटल जितने एटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे सिंपल बात दो तरह के बॉन्डिंग Uh, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं पहला है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आगे बढ़ते हैं पांचवा पॉइंट द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ ए लोअर एनर्जी बिकॉज उसकी एनर्जी इसलिए कम होगी क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी दस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी कम होती है आगे बढ़ते हैं जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है एक एटॉमिक ऑर्बिटल वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इन ए मोलिक्यूल इज गिवन बाय मोलिकुलर ऑर्बिटल वैसे ही इलेक्ट्रॉन में भी मॉलिक्यूल एक मोलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के आसपास की इलेक्ट्रॉन जो प्रोबेबिलिटी है उसे मोलिकुलर ऑर्बिटल से ही दी जाती है आगे बढ़ते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द ऑब्बा रूल्स यहाँ पर ओब्बा रूल भी फॉलो होगा होलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हुन रूल भी फॉलो होगा आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स देखिए इसको अकॉर्डिंग टू द वेव मोकनिक्स जो ये सब निकाला ये सब इक्वेशन ऑप्टन कहा से गई शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनको ओवरकम किया किसके थ्रू लीनियर कंबिनेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल ए सी ओ से अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे मान लीजिए एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मोलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मतलब जिसका एक ही न्यूक्लियस हो डिफरेंट नहीं एक ही टाइप के न्यूक्लियस आगे बढ़ते हैं एटोमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दिस एटम्स में भी रिप्रेजेंटेड बाई वेव फंक्शन या एटोमिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन के रूप में प्रेजेंट किया जैसे साई ए और साई बी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल को कैसे साई ए प्लस और माइनस साई बी ये इस तरीके से डिनोट किया गया अब देर फोट टू मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार तो सिग्मा में आते हैं यानी जो ये सिग्मा होता है ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है बी एम ओ आगे से बी एम ओ ही नाम लूँगा मैं बी एम ओ जिसको जो कि फॉर्मेशन एडिशन के थ्रू होता है ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं थ्रू एडिशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल यहाँ पे साई ए प्लस आई बी वहीं सिगमा स्टार इज़ एंटीबॉन्डिंग विच जो कि फॉर्म होता है एटोमिक ऑर्बिटल्स के सब्सट्रैक्शन से जैसे साई ए माइनस आई बी यही चीज़ इसमें लिखी हुई है अब यहाँ से देखते हैं ऊपर जाने पर इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज़ होती है ये साई ए साई बी एटोमिक ऑर्बिटल्स है और सिगमा स्टार और सिगमा ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं सो तो बी एम ओ में एडिशन हुआ एंटी बी एम ओ में एन टी बी एम ओ जो होते ए बी एम ओ जिनमें सब्ट्रेक्शन हुआ यहाँ पे एनर्जी हाई होती है ये समझ सके लो किसकी होती है बॉन्डिंग एटोमिक्स जो मोलिकुलर होते हैं जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यहाँ पे वेव माना और वेव में भी जब एक ही फेज में वेव्स इंटरफेयर करेगी इंटरफेस करेगी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स अपोजिट वे अपोजिट अपोजिट फेज में इंटरफेयर करेगी तो वहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे सप्ट्रेक्शन के थ्रू बनेंगे अब आगे बढ़ते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लिया इज लेस वाइल इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लिया इज हाई सो इलेक्ट्रॉन प्लेसड इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टेबलाइज करते हैं न्यूक्लियस को वाइल दे प्रोसेस लोअर एनर्जी एनर्जी भी लो होगी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसलिए वाइल इलेक्ट्रॉन्स में एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को जो जैसे मान लीजिए एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको डी स्टेबलाइज करेंगी स्टेबिलिटी कम करेंगी वाइल एनर्जी इनकी इंक्रीज कर देंगे आगे बढ़ते हैं कंडीशन ऑफ कंबिनेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल कुछ कंडीशन होती है तभी एटोमिक ऑर्बिटल बनेगा कंबीशन करेगा जैसे पहली बात द कंबाइनिंग ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए जैसे वन एज वन एज के साथ ही ओवरलेप करेगा वन एज टू एज के साथ नहीं कर पाएगा ये वहीं आगे बढ़ते जो कंबाइनिंग एटोमिक ऑर्बिटल मस्ट सेम सिमेट्री अबाउट द अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस यानी यहाँ पे सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए जैसे जेड एक्सिस पे जेड एक्सिस पे यहाँ मान लीजिए एटोमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी विल नॉट कम्बाइन नॉट कम्बाइन एनर्जी सेम होने पर भी कंबाइन नहीं होंगे कब जब सिमेट्री सेम नहीं होगी यानी सिमेट्री भी कंडीशन होती है इसेंशियल कंडीशन अब यहाँ पे मान लीजिए कि पी जेड है तो पी जेड पी जेड के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी जेड पर ही जो जेड एक्सिस है वहीं पे इंटरफेयर वहीं पे बॉन्ड बनाएगा ना कि पी एक्स और वी वाई से बॉन्ड बनाएगा वहाँ पर बॉन्ड नहीं मतलब मोलिक्लर ऑर्बिटल बनाए आगे बढ़ते हैं कंबाइनिंग एटोमिक ऑर्बिटल मस्ट है मैक्स मैक्सिमम एक्सटेंट यहाँ पे बोला गया कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट यानी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल दो तरह के होते एक सिग्मा दूसरा पा सिग्मा, सिग्मा मोलिकुलर और ऑर्बिटल से सिमेट्रिकल सिमेट्री होगी तभी तो तभी तो आगे बढ़ेगी चीज़ तभी तो कम्बिनेशन होगा वही पाई बोन आर नॉट सिमेट्रिकल इसलिए ये स्टेबिलिटी कम हो जाती है इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी जेड जेड डायरेक्शन पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया इट कैन बी सी इन दैट ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू पीजेड ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स यानी लीनियर कम्बिनेशन यानी अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑल्सो प्रोड्यूस टू सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे दो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल होते एक है टू पी सेड सिगमा टू पी सेड और एक है सिगमा स्टार टू पी सेड ये दो हो जाते हैं और इन दोनों की जो टू पी जेड की एनर्जी टू पी एक्स और टू पी वाई से ज़्यादा होती है ये भी ध्यान रखिएगा आगे पता चलेगा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स अब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स or के डायग्राम देख लीजिए पहले भी मैंने समझा दिया कि सिग्मा और सिग्मा स्टार क्या होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं उनकी एनर्जी का क्या होता है कि किसकी हाई किसकी लो होती है ये भी समझा दिया मैंने आगे बढ़ते हैं कुछ जैसे मोलिकल जैसे ओ टू एफ़ टू है तो यहाँ से मैं आखिरी में देख यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन जिनमें भी इलेक्ट्रॉन फोर्टीन से ज़्यादा होगा जिन जो भी एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन फोर्टीन से ज़्यादा होगा उनका कम्बिनेशन होगा इस तरीके से जो यहाँ दे रखा है सिग्मा वन है सिग्मा स्टार है ये पूरा पढ़ लीजिए वहीं लेस देन जो इलेक्ट्रॉन्स लेस देन फोटीन और इक्वल्स टू फोर्टीन जैसे बी टू सी टू एंड टू उनका कम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है ये डायग्राम के थ्रू आगे मैं समझाऊंगा आपको अभी सिर्फ रीड कर लीजिए कि ये रीड कर लीजिए कि यहाँ पे कैसे बताया गया है आगे मैंने बताया था कि टू पी सेड मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाइयर होती है टू पी एक्स और टू पी वाई से ये बता दिया था अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेसन एंड मोलिकुलर बिहेवियर बताया जैसे स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात रहती है, है जैसे एन बी क्या होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को एन ए बोला गया सो so, कभी एन बी इज़ ग्रेटर देन एन ए तो यहाँ पे जो मोलिकुलर होता है वो स्टेबल होगा वहीं इफ़ मोलिक्यूल इज़ अनस्टेबल कब जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज लेस देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड इज वन हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग के डिफरेंस का हाफ यही होता बॉन्ड ऑर्डर अब आगे बढ़ते कि इससे कुछ चीज़ें जैसे मान ली कभी पॉजिटिव हुआ कभी बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हुआ तो मोलिक्यूल स्टेबल है जीरो या नेगेटिव हुआ तो अनस्टेबल है molecule. नेचर ऑफ बॉन्ड पता है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होगी क्वेश्चन आ चुका है मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक नेचर जो डायमैग्नेटिक सबसे उनको उनको रिपेल करेंगी मैग्नेटिक वहीं पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट करेगी जैसे ओ टू मोलिक्यूल देखिए ओटो मोलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक में डिफाइन नहीं कर पाया तो यहाँ पे जाके डिफाइन होगा क्यों ये ओ टू मोलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता आगे बता है आगे बताते हैं जैसे बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर एटोमिक मोलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कन्फिग्रेशन होता है वन एस टू तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया वन तो यहां से ये बात हो गई कि ये कोविल्ड्स एक सिंगल कॉवेंट बोड से बन जाए जुड़ेगा पॉजिटिव है वहीं हीलियम टू हीलियम टू का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होता है वन एस टू कन्फिग्रेशन हो गया हीलियम यहाँ पे टू का मान लीजिए अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो गया तो इससे मान लिया जाएगा कि ये हीलियम टू अनस्टेबल है और एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए बोला जाता है इसको एस uh, ब्लॉक की जगह पी ब्लॉक जहाँ पे नोबल गैसे प्रेजेंट होती है वहाँ पे रखा गया अब लिथियम टू इसका कन्फिग्रेशन बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया वन तो लिथियम यहाँ से मान लिया जाए कि लिथियम टू स्टेबल है और इनफैक्ट ये बात होती है कि यहाँ पर नॉन नो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया सो so यहाँ पर डायमैग्नेटिक हो गया ये तीसरी बात डायमैग्नेटिक तो है ही सही बट ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है एल आई टू एज ए एल आई टू आगे बढ़ते कार्बन मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया दो डायमैग्नेटिक हो गया ये अब जितने भी इवन मैक्सिमम ये ध्यान रखिएगा इवन जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वहाँ पे पैरा डायमैग्नेटिक होंगे वहीं ओड में ओड में आ जाएगा तो वहाँ पे पैरामैग्नेटिक जैसे ऑक्सीजन है अब ऑक्सीजन में देखिए यहाँ होता है क्या होता है कि जब आखिरी में जब टू पी एक्स और टू पी वाई पाए स्टार में आके स्टार में जो एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल में आते हैं अपन तो पाई स्टार टू पी एक्स वन और पाई स्टार टू पी वाई वन तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो गई यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई यहाँ पे अनपेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ से प्रूव होता है कि ओ टू पैरा मैग्नेटिक है बॉन्ड ऑर्डर टू है फिर भी ये पैरा मैग्नेटिक है सो ओ टू मोलिक्यूल शुड बी पैरा मैग्नेटिक ए प्रिडिक्शन डेट करस्पॉन्ड टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यानी यहाँ से प्रिडिक्शन लगाया गया कि जो एक्सपेरिमेंट में हमें निकला कि और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक वो यहाँ से प्रूव हो चुका है आगे बढ़ते हैं ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा टू एस सिगमा स्टार टू एस अब सारे मोल जैसे बी टू सी टू एन टू ओ टू एफ टू एन ई टू यहाँ पर सब पे देखिए यहाँ तक सिग्मा स्टार टू एस तक सबसे में अब यहाँ से स्टार्ट जो पाई टू पी से स्टार्ट होता है यानी ये सिग्मा स्टार टू एस ये आठवां इलेक्ट्रॉन है आठवें इलेक्ट्रॉन के बाद चेंज आते हैं सब में जैसे बी टू है बी टू में यहाँ पे दो पाई हो गए सिंगल सिंगल वहीं सी टू में हो गए दो पाई पर वो पेयर्ड होंगे तो ये यहाँ पे अब आगे एन टू एन टू में तीन पाई बॉन्ड हो गए एक सिग्मा दो पाई वहीं O2 में O2 में यहाँ दो देखिए पाई स्टार टू पी में एक दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से डिस्क्राइब होता है पे, पैरामैग्नेटिक नेचर वहीं एफ टू में यहाँ पर अलग आ गया अब यहाँ एक तो बात याद रख लीजिए जो मैंने बताया था फोर्टीन इलेक्ट्रॉन से कम वाले और फोर्टीन इलेक्ट्रॉन के बराबर जितने भी जिन जिन भी एलिमेंट्स में फोटीन इलेक्ट्रॉन होते वहाँ का कंपेरिशन देखिए सिग्मा टू पी का आएगा या पाई टू पी से देखिए टू वन टू वन बी टू का भी सी टू का भी टू वन टू वन एन टू का भी टू वन टू वन ये हो गया वहीं यही ट्रिक मैं बताने वाला था वहीं ओ टू में आ गया तो यहाँ पे ग्रेटर देन फोर्टीन आ गया इलेक्ट्रॉन नंबर तो यहाँ पे वन टू टू वन वन टू टू वन यहाँ पर आ गया एफ सब एफ में टू में भी देखिए वन टू टू वन आगे बढ़ते हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है जैसे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो हाईली इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरिन से एक बॉन्ड बनाता है अटैच होता है तो एक बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स विद हाइड्रोजन ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और यहाँ पे एस पी कार्बन की भी बात की जाती है आगे बढ़ के आप हायर क्लास में पढ़ोगे ये सब चीज़ें तो यहाँ से बॉन्ड बनता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं कहते हैं जैसे यहाँ पे ये लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ एच एफ मोलिकूल पूछा है इसको ध्यान रखिएगा अब कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है देखिए यहाँ पर दो चीज़ों पर फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है एक फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड जैसे सॉलिड स्टेट में मैक्ममम अच्छा बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं मिनिमम स्ट्रेंथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की गैस स्टेट में होंगी यहाँ से भी ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मोलिक्यूल्स के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे उसंटरमोलिक्यूल जैसे एच ऐफ मोलिक्यूल एल्कोहल मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल वही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड एक ही मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ऑर्थो ओर्थोनाइट्रोफिनोल इन हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन इज बिटवीन तो टू ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ऑर्थो ध्यान रख लीजिए कि ओर्थो तो नाइट्रोफिनोल यहाँ पे एग्जांपल ध्यान रखी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, यहाँ से यह चैप्टर समाप्त होता है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक और बात आज मैं इसके शॉर्ट नोट्स के वी, आ, का आ, वीडियो